what will be the magnetic field due to this? इसमें टोटल फोर सेक्शन है, ठीक है, दो सर्कुलर आर्क्स है और दो स्ट्रेट लाइन वायर्स है, ठीक है ना। तो अगर तुम ए और डी के लिए देखोगे, फॉर दिस सेक्शन ऑफ वायर ए टू डी, ओ पॉइंट पे उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा, और बी सी के लिए देखोगे उसके लिए भी जीरो आएगा। रीजन इज वेरी सिंपल, अल्फा बीटा for this straight line wire, if you calculate, this is क्या आएगा, एक जीरो आएगा, एक 180 डिग्री आएगा, तो फाइनली तुम्हारा आंसर जीरो आने वाला है, ठीक है। तो स्ट्रेट एलिमेंट्स का यहाँ पे इफेक्ट जीरो आएगा, ठीक है, दिस इज राइटली टोल्ड बाय वन स्टूडेंट एज वेल, ओके, अनुष जोशी। जो सर्कुलर आर्क्स है, सर्कुलर आर्क के लिए फॉर ए बी, ठीक है, बी ए सॉरी, तो जो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, इसके लिए जब हम यहाँ पे सेंटर पे निकालेंगे तो वो कैसा आएगा, डॉट आएगा कि क्रॉस आएगा, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, बी टू ए, बी टू ए डॉट आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू ए, है ना, इंटू थीटा बाय टू पाई, आया समझ में। फिर ए टू डी जीरो, ठीक है। सिमिलरली जब बी टू सी निकालोगे तो वो क्रॉस आएगा, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन टू बी इंटू थीटा बाय टू पाई फ्रैक्शन, एंड देन द लास्ट वन इज स्ट्रेट एलिमेंट विच इज सी बी, तो सी टू बी जो है उसमें भी जीरो आएगा। अब ये और ये दोनों पैरेलल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल है, इसलिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी सेंटर पे वो कितनी आएगी, म्यू नॉट आई थीटा बाय फोर पाई, ये तो कॉमन आ गया, वन बाई ए माइनस वन बाय बी, है ना, ए इज लेस देयरफॉर वन बाई ए विल बी मोर, तो फाइनली की डायरेक्शन विल बी व्हाट, डॉट और क्रॉस, डॉट, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम, म्यू नॉट आई बी माइनस ए अपॉन फोर पाई ए बी टाइम्स थीटा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके चलो नेक्स्ट। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी इन द फिगर, द कर्व्ड पोर्शन इज अ सेमी सर्कल एंड द स्ट्रेट वायर्स आर लॉन्ग।
this area. देखो इसमें है ना दो सेमी इनफाइनाइट वायर्स है, ठीक है। एक वायर तुम्हारा यहाँ से आ रहा है इन्फिनिटी पे और ये वायर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये पी पॉइंट से, ठीक है, इसका तो डायमेंशन दिया नहीं इन लोगों ने, लेकिन दिस शुड बी टेकन एज ए, अच्छा डी दिया है, यस। तो रेडियस कितना होगा इसका, डी बाई टू होगा, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड देन दिस इज बी, ठीक है। तो जो ए बी वायर है, ए टू बी जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज सेमी इनफाइनाइट। एंड फॉर सेमी इनफाइनाइट the magnetic field B1 will be क्या होगी, क्रॉस होगी कि डॉट होगी, डॉट आएगी, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से चेक कर लो, इट विल बी डॉट, इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एट पॉइंट P। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ए की वैल्यू यहाँ पे डी बाई टू है, इज इट क्लियर, ठीक है। फिर तुम्हारा सेमी सर्कल है बी टू सी, तो सेमी सर्कल का भी अगर इफ यू अप्लाई व्हाट राइट हैंड थंब रूल, तो इसका डॉट आएगा कि क्रॉस आएगा, इसका भी डॉट आएगा, लेट्स से दैट इज बी टू, और वो कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 4 आर, इज इट क्लियर। फिर सी टू डी वो क्या है, वो फिर से सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट वायर का कितना आएगा, डॉट आएगा क्रॉस आएगा, उसका भी डॉट आएगा, तो बी थ्री दैट विल बी अगेन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, विच इज डी बाई टू, एग्जैक्टली। बेसिकली यू हैव टू फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड विच विल बी बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री, फाइनली रिजल्ट कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इज कॉमन विद इन ब्रैकेट्स, फर्स्ट बी वन एंड बी थ्री का टर्म कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज 2, और ये टर्म कितना है, +1, तो ये ठीक है, नीचे पाई भी है, इसको हम क्या लिखते हैं, +5, this should be your answer. Anush, गलती समझ में आई बेटा? हाँ सर, वो सर्कल में भी डिनोमिनेटर में पाई ले लिया, पाई ले लिया तुमने, यस। एनी डाउट एनी वन? मनन, यस सर, इधर समझ में आ रहा है ना? ओके,
लिख लिया सबने, आगे चले। का समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। ओके okay। निशिता, निशिता सुधीर, निशांक सुधीर, द ट्विंस, समझ में आ रहा है बेटा? तुम्हारे तो हाँ घर सर। में ही कॉम्पिटिशन है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर इज दिस मच। ठीक है, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? म्यू नॉट आई बाय 2 आर, तो रेडियस दे रखा है तुमको, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर और 12 बाय 100 मीटर ये वैल्यू दे रखी है तुमको, ठीक है, दिस इज गिवन टू यू। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्लोप एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, कल हमने फॉर्मूला किया था, याद आ रहा है? म्यू नॉट आई इंटू क्या आया था, ए स्क्वायर आया था, याद आ रहा है? रेडियस का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर आएगा, और नीचे ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पावर 3/2, याद आ रहा है? कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया था, एक्स इस केस में कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा, 13/100 होगा। क्यों बच्चों, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आया था कल, देखो एक्सेस का क्या आया था, चेक करो, अगर याद नहीं आ रहा है तो चेक करो, यही था ना? ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ बी एट द सेंटर इज गिवन टू यू एज हाउ मच? -4 हाफ इंटू 10^-4, ठीक है, टेस्ला।
which is mu naught I upon twice of 12 by 100 as a number. और ऑन दी एक्सेस निकालना है, उसमें तुमको क्या करना है, म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ 13 बाई 100 की पावर कितना है, 3/2 है, और ऊपर कितना है, समझ में आ रहा है, और ऊपर कितना है, ए स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना आ रहा है, 12/100 का स्क्वायर। अब तुमको इसकी हेल्प से म्यू नॉट आई को रिप्लेस कर देना है, म्यू नॉट आई बाय 2 जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? तो ये इतना एक्सप्रेशन लोग नीचे लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज हाउ मच, हाफ ऑफ 10^-4 इंटू 12/100, और यहाँ पे भी है 12/100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13/100 की पावर 3/2। अभी से कैलकुलेट करना है तुमको, आया समझ में कि नहीं क्या किया हमने? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग करंट एंड द सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, वी जस्ट रिप्लेस इट टू फाइंड द रिजल्ट, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द थिंग इज अबाउट कैलकुलेशन, कोई और डाउट है तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में। हाँ सर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ एस टी वर्मा।
यस एवरीवन, यस चलिए वन बाय वन करें। पॉइंट पी के लिए कौन बताएगा? ऑल विल हैव द सेम वैल्यू। निशांक सर, सब पे इक्वल मैग्नेट्यूड हो जाएगा ना, क्योंकि एक वायर के थ्रू तो सब पे सिर्फ एक वायर के थ्रू ही लगेगा ना मैग्नेटिक फील्ड, तो क्योंकि दूसरा तो उनके थ्रू पास कर रहा है। ठीक देखो, तुम कोई भी पॉइंट लोगे ना, जैसे अभी हमको क्या क्या दिया है पॉइंट, जैसे पी क्यू आर एस दिया ना, तो अगर मैं यहाँ पे दो वायर्स है, एक वायर वन एक वायर टू है, ठीक है, बोथ आर सेमी इनफाइनाइट, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, बोथ वन एंड टू आर सेमी इनफाइनाइट, अब अगर मैं पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में वायर वन का निकालूंगा तो क्या है? तो लेट मी ड्रॉ टेबल, देन वी विल राइट द एक्सप्रेशन, सो इट विल मेक थिंग्स स्लाइटली क्लियर इन द माइंड्स ऑफ एवरी स्टूडेंट। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ अ टेबल फर्स्ट। So on the basis of this diagram, we will try to work out what are the different values. ठीक है, तो हम कौन कौन से पॉइंट के लिए निकालने वाले हैं? हम पॉइंट पी क्यू आर और एस के लिए निकालने वाले हैं। क्या क्या वैल्यूज निकालने वाले हैं? पहले तो वैल्यू अल्फा, ठीक है, दिस इज वायर वन, देन वायर टू, वायर वन और वायर टू के लिए हम लोग अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालेंगे पहले। इज दैट क्लियर? ये नहीं समझ में आ रहा।
जस्ट होल्ड ऑन, वायर वन के लिए और वायर टू के लिए अल्फा और बीटा क्या होगा बताइए। याद आ रहा है सेमी इनफाइनाइट के लिए हम लोग या इनफाइनाइट वायर्स के लिए हम लोग अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालते हैं एट ए डिस्टेंस आर। याद है मैंने सारे केसेस किए थे अल्फा बीटा। Based on this knowledge, you have to tell me what will be the answer for this. तो पहले वायर वन को देखो, तो वायर वन के लिए दो एंड है, एक एंड इंफिनिटी पे यहाँ पे ठीक है और दूसरा एंड सेंटर पे। तो पहली बात तो डिस्टेंस ही क्या है मेरा जीरो है ठीक है ना। अल्फा बीटा जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो फॉर ऑल करंट एलिमेंट्स मेरा जो डीएल क्रॉस आर आएगा वही जीरो आएगा। अरे बात समझ में, तो इसलिए अल्फा बीटा की वैल्यू एक जीरो डिग्री होगी तो एक 90 डिग्री होगी ठीक है। अब मैं क्यू के लिए देखता हूँ, अगर इस क्यू के लिए देखता हूँ ठीक है, सॉरी दिस विल नॉट बी जीरो, अल्फा विल बी 180 डिग्री। आई मेड अ मिस्टेक, जस्ट अ मिनट। अल्फा विल बी 0 डिग्री एंड बीटा विल बी 180 डिग्री ठीक है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, जीरो आएगी ना वायर वन की ठीक है ना। तो वायर टू के लिए अगर मैं कैलकुलेट करता हूं पॉइंट पी पे बताइए क्या आएगा, जीरो एंड 90, एक जीरो आएगा और एक 90 आएगा, सही बात है ठीक है ना। एक सेकेंड, ठीक है तो मैं अब वायर टू के लिए बात कर रहा हूँ ठीक है। तो वायर टू के लिए ये वाला जो एंड है कौन सा वाला एंड, ये वाला एंड, यहाँ से जो मैं लूंगा इसका एंगल कितना आएगा, इसका तो 0 डिग्री आएगा और दूसरे वाले एंड का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अरे बात समझ में, एक एंगल मेरा हो जाएगा 0 डिग्री और दूसरा एंगल हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी,
सेमी इनफाइनाइट के लिए कितनी आती है? यस, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। आर की जगह यहाँ पे डी आएगा, ठीक है, एंड साइन 90 प्लस साइन 0 विल बी 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया बी1 एंड बी2 कैलकुलेट करने के बाद में एट दिस पॉइंट, और ये किस डायरेक्शन में आएगा, इट विल बी डॉट। अरे बात समझ में, कैसे करना है? मुझे बताइए पॉइंट क्यू के लिए क्या होगा? पॉइंट क्यू के लिए वायर वन का क्या आएगा एंगल? एक 0 डिग्री आएगा, एक 90 डिग्री आएगा, 0 and 90। दिस विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, बट इन दिस केस इट विल बी, वायर टू के लिए कितना होगा? वायर टू के लिए दोनों एक 0 पे और दूसरा वाला एंड भी 0 पे ही है। हरी बात समझ में, तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री, तो फाइनली ये 0 ही आएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन व्हाट? सेम, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना, बी1 प्लस बी2 को ऐड करेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो यहाँ पे नेट कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है, दिस इज सेम। डायरेक्शन क्या होगा इसका, डॉट या क्रॉस? इसका क्रॉस आएगा, इसलिए इसका भी फाइनली क्रॉस आएगा। आई बात समझ में? अब आर पॉइंट के लिए देखिए, आर पॉइंट किधर है? इस तरफ है। तो वायर वन के लिए दोनों एंगल 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, यस, बट एक आएगा 0 और दूसरा आएगा 90। ये चीज रिपीट हो रही है, जो पी में था वो आर में रिपीट हो रहा है। ओनली थिंग इज डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। इज इट क्लियर? तो आपका रिजल्ट चारों का सेम आने वाला है, डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। तो आर पॉइंट पे कितना आएगा, वायर वन का तो 0 होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों 0 डिग्री हो गए, ये वाला 0 और 90 हो गया, ठीक है ना। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, वायर टू का डायरेक्शन क्या होगा? क्रॉस होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। और एस के लिए, एस के लिए वायर टू के लिए 0 और 180 डिग्री हो जाएगा, इसलिए 0 आएगा, बट इसके लिए 0 डिग्री है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और इसके लिए ये डॉट होगा, तो फाइनली भी डॉट आंसर आएगा। तो मैग्नीट्यूड्स आर सेम, डायरेक्शंस आर डिफरेंट एट द फोर्थ पॉइंट।
लिख लिया सबने? नाउ दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ इंटीग्रेशन एंड समेशन. लिमिट्स कैसे कैलकुलेट होती है उसका क्लासिक केस है ये. ठीक है, ट्राई करिए इसे. एक रेगुलर पॉलीगॉन के साइड्स को जो नंबर एन होता है उसकी लिमिट अगर हम लोग इन्फिनिटी ले लें तो वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, एंड द एक्सप्रेशन शुड बी सेम एज व्हाट यू गॉट फॉर दिस थिंग. रेगुलर पॉलीगॉन के लिए जो एक्सप्रेशन आ रहा है वही सेम एक्सप्रेशन उसके लिए भी आना. ठीक है, ट्राई करिए.
देखो हुआ किसी का, सर हाँ बोले बोले। सर हम मैंने ट्राई किया है, तो उसको ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं कि उसका जो एक साइड है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो होगा 2π/n। सही है। तो और एक इसका साइड एंगल का भी बाइसेक्टर लेंगे तो हम लोग वो 5/n। 5π/n हो जाएगा। वेरी गुड। और तो अगर ये डिस्टेंस डी कितना होगा अगर ये रेडियस आर है? r cos π/n, रेडियस इज आर, ठीक है ना? वेरी गुड। तो बेस्ड ऑन दिस डिस्टेंस डी विल बी गिवन बाय आर कॉस ऑफ पाई बाई एन। ये जो हमने क्या किया, इसके सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये डिस्टेंस डी निकाल रहे हैं, ये एंगल पाई बाई एन है, ये एंगल भी पाई बाई एन है, टोटल एंगल 2π/n है। वाई? बिकॉज एन साइड विल सबटेंड इक्वल एंगल एट दिस सेंटर एंड टोटल एंगल इज 2π। तो दिस 2π इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट्स बाय द ईच साइड एंड एवरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द साइड विल हैव इक्वल एंगल पाई बाय एन एंड पाई बाय एन। सो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा फॉर यू एंड करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस। करंट इज आई, इज इट क्लियर? आगे बोलो बेटा, तो किसी को सर हम डाउट है? उसको एक सेकेंड है, इनरली ऐड नहीं कर सकते। 1 मिनट बेटा। और किसी को डाउट है इसमें? ये सबको समझ में आया? ज्योमेट्री हमने क्या किया, हमने एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन को इंस्क्राइब कर लिया एक सर्कल में, और यू कैन से दिस सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग द एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। ईच साइड विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर दैट इज 2π/n। किसी को डाउट है इसमें? अब हम लोग एवरी एवरी एलिमेंट दैट इज एवरी एज ऑफ द पॉलीगॉन विल हैव सेम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। डायरेक्शन सबका सेम होगा। इस केस में क्या है, करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ठीक है ना? ऐसे एन साइड्स हैं, मैंने सारे ड्रॉ नहीं किए बट सब में करंट तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट करंट कैरिंग एलिमेंट at the center will all will be cross. तो सबका क्या हो जाएगा, total magnetic field n times हो जाएगा। So let's find out magnetic field due to one side. हाँ बोलो बेटा, आगे क्या आएगा? expression mu naught i by 4π r cos π/n 4π d लिख दो अभी। okay sir, ठीक है? perpendicular distance then yes, sine of साइन पाई बाय एन प्लस साइन पाई बाय एन, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। दिस इज व्हाट द रेगुलर एक्सप्रेशन इज फॉर अ फाइनाइट वायर। अब इस केस में ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4π, बी को हम क्या लिख देंगे, आर कॉस ऑफ पाई बाय एन, और ऊपर जो साइन अल्फा साइन बीटा है वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ पाई बाय। आ रहा है सबको समझ में? एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी एन टाइम्स ऑफ बी ड्यू टू ईच साइड, नो डाउट? तो अब इसको हम क्या लिख देंगे, एन टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4π r, ठीक है? ये 2 से ये 2 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 ही आएगा। तो लेट्स राइट दिस इज 2π r। नाउ यू आर लेफ्ट विद 10π/n, ठीक है ना? अब क्या करोगे, जो b का एक्सप्रेशन है उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 r इनटू 10 ऑफ π/n डिवाइडेड बाय पाई बाय एन।
ऐसा लिख सकते हैं हम. नाउ एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, योर थीटा विच इज पाई बाय n विल टेंड टू जीरो. दिस टर्म कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई अपॉन टू आर टेन थीटा बाय थीटा. So for this condition, limiting condition, तो B में जब आप calculate करोगे for this limiting condition, तो mu not I upon 2R तो बाहर आ गया. Limiting condition of n tending to infinity, ठीक है, इसको हम लोग instead of n now you will write that as theta tending to 0. Tan theta by theta is 1. है ना, ये टर्म क्या होता है, वन के बराबर होता है कि नहीं होता है. फिर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय टू आर. इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा तो जो तुम्हारा साइड का लेंथ है वो भी ऑलमोस्ट एलिमेंटल हो जाएगा, बहुत छोटा सा लेंथ हो जाएगा. तो दैट विल रिप्रेजेंट अ सर्कल रादर देन अ रेगुलर पॉलीगॉन, इट विल रिप्रेजेंट अ सर्कल. तो योर derivation of Biot-Savart law can be extended to find magnetic field using calculus. This is what was intended to be asked. They wanted you to calculate this time. ठीक है, draw कर लीजिए फटाफट.
लिया सबने? हाँ सर। ओके सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। अब देखो ठीक है, सम ऑफ द थिंग्स आई कैन नॉट मेड यू विजुलाइज यस्टरडे, बट मैं आपको थोड़ा सा आज रिवाइज करा देता हूँ। कल हमने जो फ्री लेट एंड एक्सियल पॉइंट किया था, ठीक है, तो बेसिकली लूप में करंट कैसे फ्लो करेगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी हैव दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, तो एक वायर से करंट आ रहा है, दूसरे वायर से करंट जा रहा है, ठीक है ना, and this wire is bent into the shape of a circle in between. उसके एक्सिस पे अगर हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ये देखो हमने क्या किया, करंट एलिमेंट लिया ds, तो ds में और ये पॉइंट P में अगर तुम एंगल देखोगे तो ये एंगल 90 डिग्री से आएगा, ठीक है, दिस आई कुड नॉट क्लियरली मेक यू विजुअलाइज दिस बट नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये dl है और ये डी एस है तुम्हारा इस डायरेक्शन के अंदर, आ रही बात समझ में, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या 90 डिग्री है, और ये वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तुम्हारा क्या है डी बी है, तो डी बी इस प्लेन के अंदर है, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस विल कैंसल आउट विद दिस एलिमेंट, ठीक है, इस एलिमेंट का जब तुम देखोगे यहाँ पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी और वो उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, ओनली द एक्सियल कंपोनेंट विल रिमेन, इज दैट क्लियर? नाउ फॉर एनी करंट कैरिंग लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी फॉर्मिंग लाइक दिस लूप्स, क्लोज लूप, तो आप देख रहे हो ये क्लोज लूप्स है ना, इसके पास में देखोगे तो दे आर क्राउडेड बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है ना, ये ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने कौन से रूल से निकाला था, राइट हैंड थंब रूल से निकाला था, याद है इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है इसके अंदर एक सिमिलैरिटी है, कैसी सिमिलैरिटी है, देखो अगर हम फिजिकली किसी वर्टिकल प्लेन में ऐसे एक सर्कुलर कॉइल को क्या कहते हैं करंट सस्टेन करें एंड दैट इज इन द वर्टिकल प्लेन एंड ये जो वायर्स हैं दे आर पेनिट्रेटिंग अ पीस ऑफ पेपर और उस पेपर के ऊपर देर आर आयरन फिलिंग्स, तो ये आयरन फिलिंग्स यहाँ पे अपने आप को इस तरह से ओरिएंट कर देती है, ठीक है, सो दिस गिव्स यू एन आइडिया दैट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो किस तरह से है, ठीक है ना, सो दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैड डन इन केस ऑफ बार मैग्नेट, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आती है वो बार मैग्नेट जैसी ही होती है, तो एवरी बार मैग्नेट हैज अ एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल, सिमिलरली एवरी करंट कैरिंग लूप also has a magnetic moment. What is that magnetic moment? We will see later on. Is that clear? ये दोनों analogous हैं.
ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ऑफ अ सोलेनोइड. व्हाट इज अ सोलेनोइड? सोलेनोइड इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन. ओके, तो इसमें होता क्या है? ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ. क्लोजली वाउंड कॉइल्स ऑफ करंट, ठीक है, दे आर फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ स्पाइरल. ये आपको दिख रहा है, स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर अंदर, दैट इज बेसिकली कंडक्टिंग वायर वाउंड वेरी क्लोज टू ईच अदर. द थिकनेस ऑफ द वायर इज वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, इसमें बहुत आपकी क्लैरिटी के लिए डायग्राम बहुत बड़ा बनाया है, बट एक्चुअली इट इज गेट थिन. तो इसमें जब करंट फ्लो करता है, देन एवरी टर्न ऑफ कॉइल विल हैव इट्स मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ द सोलेनोइड इंक्रीजेस एंड इट फ्लोज इन दिस सेंस. ठीक है, अगर आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अरे बात नहीं, ये कैसे स्पाइरल जैसा बना हुआ है, दीज आर वेरी क्लोजली स्पेस कॉइल्स. तो जब करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द स्पाइरल, मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेटअप. ठीक है, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और एक करंट ऐसे जा रहा है, हरी बात समझ में, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ आएंगी, इधर साउथ बन जाएगा, इधर नॉर्थ बन जाएगा. बट अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, द सेंस ऑफ रोटेशन इज डिफरेंट, तो फिर अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो उसको. ऑल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो उसमें फिर ऐसा बनेगा. बेसिकली एवरी सोलेनोइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट के अंदर जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप होती हैं, वैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप होगी. द ओनली डिफरेंस इज विद इन द कोर ऑफ द बार मैग्नेट यू कैन नॉट यूज दैट स्पेस टू हैव एनी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, क्योंकि वो सॉलिड है. बट इन द केस ऑफ सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द कोर कैन बी यूटिलाइज to magnetize other materials or to see the other magnetic effects. Is that clear? So it's a kind of, solenoid is a kind of a cylindrical structure. Samajh mein aa raha hai? Now how do we find the magnetic field at any point inside the core of the solenoid? That is the query. That is the question that we have to understand. तो अभी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए सोलेनोइड का.
लिख लिया सबने? अब तुमको लेट अस से इसके एक्सिस पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? तो तुमको कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है ना? अब इसमें जो स्पाइरल लिखा है ना, दे आर सेपरेटेड लाइक बाय क्वाइट अ गुड डिस्टेंस, बट एक्चुअली ये ऐसे होते ही नहीं है, ये बहुत चिपके चिपके से होते हैं, ठीक है ना? ये इस टाइप से होते हैं। जब तुम इसको ड्रॉ करोगे, समझ में आ रहा है? तो लेट मी ड्रॉ यू अ डायग्राम। ठीक है, तो ये कैसा होगा? दिख रहा है तुम्हें कुछ वायर? ये ऐसे एकदम पास पास में हम इसको प्लेस करते हैं। अरे समझ में? ये तो फिर भी थोड़ा दूर दूर है, ये एक्चुअली दे विल बी लाइक एज गुड एज, ये जो स्पाइरल दिख रहा है ना, स्पाइरल होगा ही नहीं ये, इट विल बी ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट ऐसे होगी। द प्लेन ऑफ द स्पाइरल विल बी ऑलमोस्ट कोइंसाइडिंग विद द, और यू कैन से द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड विल बी, एक्सिस ऑफ सोलेनोइड क्या है? ये लाइन है ने? This is the axis of solenoid. अब इस axis के respect में अगर तुम देखोगे तो ये जो spirals हैं, ये almost perpendicular हैं, ठीक है? They are so closely spaced. So every turn of coil you can treat not as a spiral but as a circular coil. ये बात समझ में आ गई? अब तुमको यहाँ पे let us say किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है? तो कैसे निकालोगे? दैट इज व्हाट इज सपोज टू बी फाउंड आउट। योर अजम्पशंस आर, तुम्हारे अजम्पशंस क्या है? The one end makes an angle alpha, the other end makes an angle beta. There is a term known as N, which is number of turns rather than the devil type it. आपके assumptions क्या क्या हैं? Each turn of spiral or you can say helix, ठीक है ना? ये जो structure है solenoid का वो कैसा होता है? Helical structure होता है कि नहीं होता है? Each turn of spiral of helix, ठीक है, is perpendicular to axis of solenoid. तुम्हारा first assumption.
कैसे करोगे बताओ? ठीक है, सेकंड अजम्पशन है slightly wound wire and then n is number of turns per unit length, wire thickness is insignificant. किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं हम लोग? रेडियस ऑफ सोलेनोइड. इज इट क्लियर? ये सारी चीजें आपको अज्यूम करके इसको सॉल्व करना है. तो आप कैसे करोगे देखो मैं बताता हूँ. अब क्या करोगे, यहां से जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे आप एक एलिमेंट ले लोगे. ठीक है, आपने क्या किया, ये एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया. ठीक है, और यहां पे आपने अज्यूम कर लिया कि देयर आर टर्न्स ऑफ कॉइल. ये है तो वैसे स्पाइरल, ठीक है, बट ऑलमोस्ट कैसे होगी, इंस्टेड ऑफ बीइंग हेलिकल यू कैन कंसीडर इट टू बी सर्कुलर. और इसकी थिकनेस आपने कितनी ली है? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या किया हमने? हमने x डिस्टेंस पे dx लेंथ का, ये जो दो दिख रहे हैं तुमको ये dx लेंथ है इसके अक्रॉस. तो दिस लेंथ इज dx. इज इट क्लियर? तो dx लेंथ के अंदर कितने टर्न्स ऑफ कॉइल आ जाएंगे? Dn आ जाएंगे. What is Dn? N times dx. तुमको ऐसा अज्यूम करना है जो वायर है इसके अंदर खूब सारे टर्न्स अंदर एंटर्ड है. ठीक है, ये विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं? और इसमें सिर्फ ये दो नहीं है, इन दोनों के बीच में देर आर एन नंबर ऑफ सच टर्म्स. अब विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो अभी मैं आपको dx लेंथ में dn टर्न्स है. अब इसका रेडियस कितना है? लेट अस से a है, अज्यूम कर लो इसका रेडियस है a. ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं दिस रेडियस इज लेट अस से a. ये एंगल अल्फा बीटा का यूज हम तो ब्लास्ट में करेंगे. ठीक है, तो अब मेरे को ये जो पॉइंट है जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इट लाइज ऑन द एक्सिस. ठीक है, एंड यू विश टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस टर्न ऑफ कॉइल. तो इस टर्न ऑफ कॉइल के लिए ये डिस्टेंस कितना है इसके सेंटर से x है. You can assume that all these turns they make an angle, they have a distance of x. The center of these turns of coil and the point P has a distance x between them. ये distance x है यहाँ से लेके यहाँ तक. सही है कि नहीं है?
ठीक है, तो अब मेरे को उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, व्हाट इज डीवी, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, डीएल नंबर ऑफ टर्न्स इज एन, एवरी टर्न विल हैव हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई इनटू आर स्क्वायर, याद आ रहा है, तो इस केस में ए स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू टाइम्स, क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, इज इट क्लियर? यस सर। अब मैं क्या करूंगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, किसको, डीएन को, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एन टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन टू इंटू ए स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सर ना, ठीक है। अब देखो, अब ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कुछ एंगल बना रहा होगा विद द पॉइंट पी, है ना, तो इस एंगल को टाइम बीइंग के लिए अभी थीटा मान लेता हूँ, तो दिस एंगल इज थीटा, इज इट क्लियर, जो डी एक्स लेंथ का एलिमेंट है उसका पी पॉइंट पे एंगल थीटा बन रहा है, तो व्हाट कैन आई राइट अबाउट एक्स ए एंड थीटा, क्या रिलेशनशिप में लिख सकता हूँ, एक्स बाई ए क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा लिख सकता हूँ, देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, ए होगा, एम आई राइट, tan theta will be x by a, so what is dx, a sec square theta d theta, yes or no, so ye dx ki value main yahan pe substitute kar deta hu, and what is a square plus x square, हाइपोटेन्यूज है ना, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, यस सर, तो ये वैल्यूज मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं पहले, देन वी विल ट्राई टू पुट द लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो ये हो गया एन म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टू, नीचे कितना आ गया, ए क्यूब सेक क्यूब थीटा, ऊपर डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये कैंसिल हो गया पूरा टर्म, सेक स्क्वायर थीटा से क्यूब चला गया, तो नाउ यू आर लेफ्ट विद क्या बचा तुम्हारे पास, एन टाइम्स म्यू बाय टू, ऊपर आ गया कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, बहुत सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया डीवी का,
टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे, तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ये सुनो। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो तुमको लिमिट्स लेनी पड़ेगी, तो जो तुम्हारे थीटा की लिमिट्स है वो कितनी है अल्फा से माइनस बीटा तक, है ना। दी अदर इज ऑन दी अदर साइड, देखो ये वाला जो एंगल है तुम्हारा, टॉकिंग ऑफ दिस एंगल, ये अल्फा है और ये एंगल तुम्हारा बीटा, इट इज ऑन दी अदर साइड। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर ये प्लस अल्फा है तो ये माइनस बीटा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, इसकी लिमिट्स डाल दी। अब व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन, ठीक है। अच्छा इसमें गड़बड़ कर दी मैंने, मेरे को ये उल्टा लेना चाहिए, तो माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक में। इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आएगा म्यू नॉट एन आई बाय टू इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दिस विल बी बाय मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज द एंगल मेड लाइक दिस। In some of the books, it is given in terms of cos alpha plus cos beta because they measure angle with the axis. Is it clear? So the result is same. Don't worry. ये लिख लीजिए derivation. आपका ड्रिल वन एंड ड्रिल टू, ड्रिल टू का भी काफ़ी पोर्शन कवर हो गया, ठीक है, मतलब इनफैक्ट सभी पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमपीएस सर्किट लॉ स्टार्ट करेंगे। ओके यस सर, कैन आई एंड दी सेशन।